नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी हां, नेपाल के जाने माने पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कामी रीता शेरपा ने बुधवार को तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नया इतिहास हासिल किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस सफलता पर उन्हें दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है। जानकारी के मुताबिक 54 वर्षीय पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने स्थानीय समय अनुसार बुधवार सुबह 7:49 पर 8849 मीटर की चोटी पर अपना कदम रखा था। नेपाल के एक समाचार पत्र के मुताबिक कामी रीता शेरपा ने महज 10 दिन पहले यानी 12 मई को 29वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। शेरपा ने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आपको बता दें कि कामी रीता शेरपा मूल रूप से गाइड हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1970 को हुआ था। वैसे तो उन्होंने पर्वतारोहण की औपचारिक शुरुआत 1992 से ही की थी, लेकिन इस साल वो सहायक कर्मचारी के रूप में सबसे ऊंची चोटी पर एक अभियान में शामिल हुए। इसके 2 साल बाद उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता मिली, जिसके बाद उनका उत्साह बढ़ गया। शेरपा को बचपन से ही पहाड़ों और घाटियों में भ्रमण करने का शौक रहा है। करीब 3 दशक से वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, यही वजह है कि उनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है। खास बात तो ये है कि शेरपा ने केवल माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ने में सफलता हासिल नहीं की, बल्कि माउंट केटू, चो ओयू, लोहोत्से और मनालसू पर भी अपने देश का झंडा लहराया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल उन्होंने एक ही सीजन में 27वीं और 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।